आदित्यनाथ की नकल उतारना जेआप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को भारी पड़ गया है। दरअसल जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर शामिल होने पहुंचे पप्पू यादव ने योगी आदित्यनाथ की नकल उतारी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फिर क्या था, पप्पू यादव की लंका लग गई। उन्होंने जो नकल उतारते हुए ये भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ इतना बुरा होने वाला है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बाद आपको बताते हैं कि पप्पू यादव के साथ हुआ क्या है। देखिए ये वीडियो, जंतर मंतर पर बैठे पप्पू यादव किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की नकल उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि सदन में योगी फफक फफक कर रो रहा था। जिस दिन योगी मुख्यमंत्री पद से हटा, देखना क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। इसके साथ ही लोग वहां पर जो बैठे हुए हैं वो भी खिलखारियां मारकर हंसने लगते हैं। आप भी सुन सकते हैं कि किस तरीके से पप्पू यादव सीएम योगी आदित्यनाथ की नकल उतार रहे हैं और काफी कुछ उनके बारे में बता रहे हैं। सदन में ऐसा रो रहा था योगी हम लोग के सामने, इतना बड़ा हमने ऐसे ऐसे बकर रो रहा था। क्या हुआ, सबको बड़ी मारा पुलिस, उलम सिंह बड़ी मरवा दी, बड़ी क्या डरपोक है ये। जिस दिन मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटा, समझे अब हम कुछ नहीं गए, इससे आगे कुछ नहीं गए। तो देखा आपने कैसे पप्पू यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया और कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर से डर गए थे और इसी डर की वजह से रो रहे थे। अब पप्पू यादव के इस वीडियो के सामने आते ही एक और वीडियो पप्पू यादव का वायरल होने लगा। देखिए ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे पप्पू यादव का दूसरा वीडियो है जो वायरल हो रहा है, जिसमे पप्पू यादव रो रहे हैं। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि बहुत मारा। अब आपको बता दें कि ये वीडियो 2018 का है, जब पप्पू यादव ने एक यात्रा निकाली थी। ये यात्रा पटना से मधुबनी तक के लिए निकलनी थी, वहीं भारत बंद के चलते मुजफ्फरपुर में बंद के समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। उनके काफिले को रोककर पप्पू यादव की खूब पिटाई की, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया था। पप्पू यादव ने खुद बताया था कि सीआरपीएफ के जवान नहीं होते तो उनकी हत्या हो जाती, और ये बताते बताते वो खुद फूट फूट कर रोने लगे थे। देखिए ये वीडियो, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो योगी आदित्यनाथ के रोने का मजाक बना रहे हैं वो किस तरीके से पीटे जाने पर रो रहे थे। उसके बाद मुझको मां बहन लगा करके साले, अब हम लोग दिखाते हैं गुड डे ऐसे। सब मेरे गार्ड से पूछिए सर, मेरा गार्ड नहीं होता तो मार देता ये लोग। कितने सांसद लोग सुरक्षित हैं इस स्थिति में? आप सर, मैं एसपी को फोन किया नहीं उठाया, आईजी को किया नहीं उठाया, सीएम को किया नहीं उठाया, सीएम का पिया उठाया, हमने आनंदर को बोला, हम पर हमला किया गया है। आज ये स्थिति हो गई है कि एक सांसद के हाथ में आंसू, क्या है सुशासन ये? सर ये लड़ने के लिए जा रहे थे, जिस तरीके से मारा मैं बता दे, इस तरह वही पप्पू यादव ने एक और बयान जंतर मंतर पर दिया, जिसकी चर्चा काफी हो रही है। नेताओं के बारे में कुछ वो अपशब्द ही कहते नजर आ रहे हैं, आप सुन सकते हैं। नेता के पास चार चीज है इस देश में, पैसा, सेक्स, हिंदू मियां और जाति धर्म मजहब। इस चार चीज के अलावा नेताओं के पास कोई विचारधारा नहीं है। तो देखा पप्पू यादव किस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जो उन्होंने मजाक बनाया वो उन पर भारी पड़ रहा है। अब पप्पू यादव ने इससे पहले तो सोचा भी नहीं होगा कि जहां पर वो बैठकर सीएम योगी की नकल उतार रहे हैं, वहां से उठने के बाद 5 साल पुराना वीडियो उनका वायरल हो जाएगा, जिसमें उनकी खुद की कहानी बयां हो जाएगी। बहरहाल इस वीडियो को देखकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।